हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंडी डाइट मी शिविर के माध्यम से विकलांग बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। आपको बता दें कि शिविर के माध्यम से बच्चों की जांच कर उन्हें विकलांगता के आधार पर उपकरण भी वितरित किए गए। वहीं टेकचंद ठाकुर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी डाइट मंडी में शिविर के माध्यम से विकलांग बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी, जहाँ पर विकलांगता के आधार पर उन्हें उपकरण भी वितरित किए गए। लेक्चरर्स इन डाइट मंडी आईटी कोऑर्डिनेटर। आज का कैंप जो है बूटी शिवल्टी असेसमेंट कैंप है, जिसमें हमने तीन ब्लॉक बुलाए हैं, सदर ब्लॉक, वन ब्लॉक और साइकिलू ब्लॉक। इन तीन ब्लॉकों के बच्चों को असेस किया जाएगा और असेस करने के बाद इनको एड अप्लायंसेस यानी उपकरण दिए जाएंगे उनकी डिसबिलिटी के आधार पर। इसके अलावा जो टीम असेस करने के लिए आई है वो चंडीगढ़ अलिम्को से आई हुई है। ये अलिम्को हर वर्ष यहाँ कैंप लगाते हैं और हम इनको जो एड अप्लायंसेस देते हैं वो आरएमएस एसएसए के माध्यम से इनको मुफ्त एड अप्लायंसेस प्रदान किए जाते हैं। आज ये बच्चों को असेस करेंगे और उसके बाद 2 या 3 महीनों के बाद जो है ये कंपनी से बनकर आएंगे और यहाँ पर हम इन बच्चों को वितरित करेंगे। वितरित करने के पहले हम आज का जो कैंप है इसमें इन बच्चों को दोपहर का नाश्ता, आने जाने का किराया, इनके पेरेंट्स जो उनके साथ आए उनका भी किराया हम वहन करेंगे और साथ में जो नाश्ते का पैसा बनता है वो भी हम इनके अकाउंट में भेजेंगे। यानी ये बच्चे के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच केंद्र के रूप में हम इसको बना रहे हैं। थैंक यू।